हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवाबी पनीर की रेसिपी, या फिर आप इसे वाइट पनीर कोरमा भी कह सकते हैं। आपने पनीर की वाइट ग्रेवी तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार मेरी तरह से बनाकर देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जी चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटी कढ़ाई में पानी को बॉयल होने के लिए रखा है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो मैंने इसमें ऐड किया है 3 लार्ज ओनियन। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं हो तो आप 4 मीडियम साइज़ प्याज भी ले लीजिए। आप इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए और इसे हम एक बॉयल कर लेंगे। इसे हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमें इस ग्रेवी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसका हमें पेस्ट बनाना होता है। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 5 से 6 टुकड़ा नारियल। नारियल का मैंने ब्लैक वाला पार्ट हटा दिया है, और मैंने लिया है 15 से 20 काजू, और लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के खसखस यानी पोस्ते का दाना। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून खरबूजे की बीज भी ले सकते हैं, और काजू की जगह पर छिलका उतारकर बादाम भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 मुट्ठी के करीब मखाना। मखाने को भी मैंने भिगा लिया है। अब इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम बहुत ही महीन पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें जो पेस्ट बनाना है वो बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए जो हमने प्याज को बॉयल करके रखा था वो भी अब ठंडी हो गई है। इसे पीसने के पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 हरी मिर्च। इस ग्रेवी में हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना तीखा खाते हो उतनी आप हरी मिर्च ले लीजिए, और इसके साथ एक बहुत ही महीन पेस्ट बना लीजिए। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का और प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया है। इसे हमें बहुत ही महीन पीसना है। अब चलिए हम अपनी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून देसी घी, और साथ ही इसमें ऐड किया है 5 से 6 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप इसको मस्टर्ड ऑयल में ये ग्रेवी मत बनाइएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बनाने पर इस ग्रेवी का कलर थोड़ा पीला हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा या तो आप इसे टोटल देसी घी में बनाएं, या फिर रिफाइंड ऑयल में, या फिर आप दोनों चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें डाला है 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा तेज़पत्ता और 3-4 लौंग। इन सब गरम मसालों को हम थोड़ी देर सौते कर लेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद भी हम इसको पका लेंगे कि जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को आप इस टाइम मीडियम रखिएगा। इसे आप 3-4 बार चलाकर इसे ढककर पका लीजिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज बहुत अच्छे से सूख ना जाए और ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाए। तो चलिए हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज बहुत अच्छे से भुन गई है, और इसका जो ऑयल था वो भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। हम इसे 1-2 बार चला लेंगे। अब हमने इसमें ऐड किया है 5 से 6 टेबलस्पून फ्रेश कर्ड, मतलब फ्रेश बिल्कुल दही आप लीजिएगा, और इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट भी सकती है। अब चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से सूखे मसाले। मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और मैंने इसमें ऐड किया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सब मसालों को ऐड करके हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनने में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेगा। ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना कर रखा था उसे। तो आप ये पेस्ट ऐड कर दीजिए, और ये जो कटोरे में आपके थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे भी ऐड कर दीजिए।
और साथ ही आप इसमें ऐड कर दीजिए 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा भून लीजिएगा, इससे इसका जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसे एक बार फिर भूनेंगे लगातार चलाते हुए, जब तक कि ये मसाला बहुत अच्छे से सूख ना जाए। तो आप इस टाइम गैस की फ्लेम हाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे लगातार चलाते रहेंगे तो ये नीचे से लगेगा भी नहीं। तो ये देखिए हमारा मसाला पूरी तरह से सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है, आप पनीर ऐड कर दीजिए। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून चीनी। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी मैंने मीठी रखी है, अगर आपको चीनी नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया है 5 से 6 चम्मच मलाई, ये मैंने फ्रेश मलाई ली है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप दूध। ग्रेवी मैं इसकी दूध की ही बना रही हूँ। अभी मुझे ग्रेवी थोड़ी थीक लग रही है तो मैंने इसमें 1/2 कप दूध और डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून क्योड़ा वाटर, और आप इसमें ऐड कर दीजिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को भी आप डालकर बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी बहुत ही शानदार और लाजवाब नवाबी पनीर की रेसिपी बनकर तैयार है। इसे मैंने गार्निश कर दिया है थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ। इसे मैंने सर्व किया था बहुत ही कुरकुरे और लाजवाब देसी घी के पराठों के साथ। यकीन मानिए देसी घी के पराठों के साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो जी एक बार आप मेरे स्टाइल से इस ग्रेवी को बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे यकीन है कि आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट की पनीर की ग्रेवी को भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आगे भी आपके साथ अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।